नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। हम आपको हरियाणा प्रदेश की कुछ क्राइम की खबरें से अवगत करा देते हैं कि किस तरीके की क्राइम की खबरें हैं वो लगातार हम आपको बता देते हैं कि आज जिस तरीके की जो क्राइम की खबरें आई उनको देख करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और सबसे पहली खबर जो है हमारे पास आ रही है वो आ रही है साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां हैवानियत का नंगा नाच एक दंपत्ति ने खेला 13 साल की मासूम बच्ची के साथ। किस तरीके से उसको गर्म चिमटों से जलाया गया, दागे गए उस पे गर्म चिमटे, उसको मारा गया, पीटा गया और उसको भूखा रखा गया, और उस बच्ची ने डस्टबिन से खाना चुक करके अपना पेट भरा। लेकिन जब इसकी खबर एक एनजीओ को लगी तो उसने पुलिस के माध्यम से उस बच्ची को उस दंपत्ति से छुड़वाया और दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आई है ये अपने आप में डरावनी तस्वीरें हैं कि कैसे, नाम है साइबर सिटी गुरुग्राम, यानी कि साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर किस तरीके से एक दंपत्ति हैवानियत का खेल खेलता है, ये अपने आप में डरावनी तस्वीरें हैं कि कैसे एक मासूम बच्ची के साथ जुल्म ढहे जाते हैं, जुल्म और सितम की इंतहा कर दी जाती है, एक आम आदमी का हाथ कांप जाए कि किस तरीके से 13-14 साल की मासूम बच्ची के साथ उसको गर्म चिमटों से दागा गया, उस पर गर्म चिमटे लगाए गए, उसको कई कई दिनों तक भूखा रखा गया, मारा पीटा गया और किस तरीके से उस बच्ची के साथ किया गया। और यह बच्ची मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। जो खबर में जो पूरी जानकारी मिल रही है वो हम आपको बता देते हैं कि कैसे इस बच्ची के साथ इंतहा की गई है और वो भी मासूम बच्ची के साथ। और जो पूरी खबर की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार हम बता देते हैं, गुरुग्राम के रहने वाले एक दंपत्ति ने पिछले साल एक प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से अपने 3 माह के बच्चे की परवरिश के लिए 13 साल की बच्ची, नाबालिग बच्ची को घर में रखा। पीड़ित बच्ची मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है। उसे भोजन चुराने के मामले में उसको मारते पीटते, यानी कि जब बच्ची खाना मांगती है, चुरा लिया था बच्ची ने खाना निकाल लिया तो उसको किस तरीके से मारते पीटते और उस पे गर्म चिमटों से उस पे वार करते, उसके शरीर को जगह जगह से जलाया हुआ है। ये तस्वीरें जो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, किस तरीके से ट्वीट के माध्यम से एनजीओ ने जो ट्वीट किए वो भी कहीं ना कहीं बताती है कि कैसे तरह की तस्वीरें जो सामने आई है वो अपने आप में डरावनी तस्वीरें हैं। बाद में दंपत्ति कभी उसे भोजन चुराने तो कभी काम ठीक ना करने के चलते उसको मारते पीटते। पुलिस ने बताया कि उसे खाना तक नहीं दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं ये कैसा दंपत्ति होगा, बेरहम, इसके अंदर दिल है या नहीं है। अपने बच्चे की परवरिश के लिए 13 साल की बच्ची को वहां रखते हैं और उसके साथ किस तरीके से हैवानियत करते हैं। कहे एक जानवर को रखें उसमें भी प्यार हो जाता है, लेकिन इंसान के साथ किस तरीके से इंसान सलूक करता है ये अपने आप में डरावनी तस्वीरें हैं। और अपनी भूख मिटाने के लिए ये नाबालिग बच्ची डस्टबिन से उठा करके खाना खाती। पीड़ित के शरीर पर घाव के निशान हैं जगह जगह। दंपत्ति की मारपीट से नाबालिग बच्ची का जो शरीर है उसको गर्म चिमटे से दागा गया और जगह जगह उसके पिटाई उसकी की गई और उसके जो शरीर पर जगह जगह निशान हैं किस तरीके से उसकी जो हालत कर दी गई है। और इस पर एक एनजीओ ने गुरुग्राम पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद उस बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है दंपत्ति से छुड़ा करके, और दंपत्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। ये खबर हमने दी आपको साइबर सिटी गुरुग्राम से। अगली खबर और देते हैं आपको। अब खबर लेते हैं रेवाड़ी से। वैसे तो सरकार पटवारियों को तनख्वाह देती है, लेकिन पटवारी काम किस तरीके से करते हैं आज ये मामला सामने आया है। और मामला सामने जो आया उसने कहीं ना कहीं बता दिया कि गिरदावरी रिपोर्ट बनवाने के लिए किसान से मांगे 3000 रुपए, और 3000 रुपए के लिए महज जो पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। और पटवारी की हरकत देखिए, 3000 रुपए किसान से मांगते हैं उसको लेकर के एबीसी कार्रवाई करती है, यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस पटवारी को पकड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और ये पूरा मामला जो हम आपको बता देते हैं, रेवाड़ी में बुधवार को एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जो है एक पटवारी को 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तो ये बड़ा सवाल है, जब सरकार इनको तनख्वाह देती है सरकारी कर्मचारियों को, तो कैसे पटवारी 3000 रुपए यानी कि किसानों से रिश्वत की मांग करते हैं। और आरोपी पटवारी डहिना के उप तहसील में कार्यरत है, जो रेवाड़ी का डहिना है वहां की उप तहसील में यह पटवारी कार्यरत है। उसने किसान की जो खराब फसल हुई थी, जो बरसात के वजह से या मौसम की वजह से जो फसलें खराब हो जाती है
उसके रूप में मिलने वाली धनराशि को लेकर के जो उससे डिमांड की थी कि आपको जो पैसा मिलेगा उसमें 3000 रुपए मुझे चाहिए। तो आप समझ सकते हैं पटवारियों के लिए इंसानियत किस तरीके से घेर दी है। हालांकि इसका फैसला कोर्ट में होगा और इसको क्या सजा मिलेगी वो अभी देखना होगा। फिलहाल यानी कि समझ लीजिए हवालात का रास्ता इन पटवारी महोदय ने देख लिया है और जिसको लेकर के ये कार्रवाई बकायदा की गई है। इसके बाद आपको एक और खबर देते हैं। अब आपको अगली खबर देते हैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद में एक 16 साल के स्टूडेंट की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। किस तरीके से एक 16 साल के युवक की हत्या कर दी जाती है चाकू से गोद कर और बदमाश हथियार को लहराते हुए फरार हो जाते हैं बाइक के ऊपर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से। पूरी खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 16 साल के स्टूडेंट की चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है। हमलावरों ने उस पर चाकू से कई वार किए, ताबड़तोड़ उस पर हमला किया जिससे वो पूरी तरीके से लहूलुहान होकर के गिर गया और वारदात के बाद आरोपी चाकू लहराते हुए फरार हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से लोग बेखौफ होते जा रहे हैं। ना लोगों को कानून का डर है, ना प्रशासन का डर है, ना अपने परिवार की इज्जत का डर है और ना ही जेल जाने का डर है। तो ये कई सारी चीजें हैं। वहीं अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। जो इस युवक के ऊपर चाकू से वार किया गया उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है और सेक्टर 58 थाना पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और इसमें जो जानकारी मिल रही है फरीदाबाद के गांव भनकपुर निवासी विपिन तेवतिया जिसकी उम्र करीब 16 साल है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जब लहूलुहान होकर के विपिन सड़क पर गिर गया तो जो दूर खड़े कुछ लोग थे उन्होंने आकर के बचाने के लिए दौड़े। वहीं हमलावर बाइक लेकर के जो है फरार हो गए और वो भी हाथों के अंदर हथियार लहराते हुए। तो विपिन के पास एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। विपिन को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये तमाम क्राइम की खबरें हमने आपको दी। फिर आएंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।